हां जी गुड इवनिंग नमस्कार जय हिंद जय भारत सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है कि आज अपना जो करंट अफेयर का लेक्चर था उसका टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि आठ बजे से जो है है ना आठ बजे से अपने अविनीश सर जो है उनकी क्लास होने वाली है तो फटाफट से सारे लोग जुड़ जाइए जल्दी से उसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे जी हाँ नमस्कार मेरे भाई जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का इवर एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और इवर एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है जल्दी से फटाफट से जो है जल्दी से फटाफट सारे लोग आ जाओ भी उसके बाद शुरुआत कर देते हैं जैसा कि आपको मालूम है ना कि आज आठ बजे जो है अविनीत सर की क्लास भी होने वाली है बहुत सारे बच्चों ने कल अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो वो भी आपकी क्लास जो है चलने वाली है तो जल्दी से फटाफट आ जाइए सारे लोग ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं टाइम को ना गवाते हुए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट कि हजारों उलझने राहों में हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब है हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब है इसी का नाम है ना इसी का नाम है जिंदगी और चलने रहिए जनाब यही क्या है अपना काम है जी हाँ बिल्कुल सही बात है जी हाँ तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विच विच, विच आ, एक मिनट मैं पेन ले लेता तो, हाँ जी विच फिल्म हैज बैग द बेस्ट फिल्म अवार्ड इट द 2022 बाफ्टा अवार्ड यानी कि किस फिल्म ने 2022 बाफ्टा अवार्ड जो है वो अपने नाम किया है ये आप लोगों ने बताना है तो जल्दी से बताइए फटाफट से और आपको मालूम होना चाहिए कि बाफ्टा जिसका एडिशन जो है वो इस साल करवाया गया कौन सा सेवेंटी फिफ्थ एडिशन जो कि हाल ही के अंदर हेल्ड करवाया गया था और ये अगर हम बात करें किसके द्वारा तो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड हम कह सकते हैं इसको ब्रिटिश फिल्म अ ब्रिटिश यानी कि फिल्म जो अवार्ड है वो हम लोग कह सकते हैं और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये कहां पर हेल करुआ, हेल्ड करवाया हेल्ड करवाया गया था तो ये लंदन के अंदर हेल्ड करवाया गया था इसका जो अवार्ड है वो किसे दिया गया तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला था किसे द पावर ऑफ द डॉग जी हाँ किसे मिला था द पावर ऑफ द डॉग जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया आप लोगों ने ध्यान रखना है बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्टर कौन थे तो जैन कैंपेन जो है है ना जेन डायरेक्टर की बात की जाए तो याद रखना है ठीक है इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया ठीक है बेस्ट डायरेक्टर का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो इन्हें मिला है ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है और इसके साथ में अगर हम बात बताएं लीडिंग रोल के अंदर तो याद रखना है विल स्मिथ जो थे वो रिचर्ड जो थे उन दोनों को जो है ये अवार्ड जो है वो दिए गए हैं ये भी आप लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है होप्स आप सभी को बात जो है वो समझ में आ रही होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी हाँ आपके सामने दिया गया है

यानी कि इसको यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज करवाया जाता है क्लियर है चलिए इंडियन रेलवे क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम के अंदर अभी तक पूछा जा चुका है तो आपसे अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपनी किस डिवीजन में पहला गतिशक्ति मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल आपको बता होगा इंडियन रेलवे जो है आने वाले समय के अंदर एक टारगेट रखा हुआ है कि हम 100 यानी कि सो शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है वो बनाएंगे कितने बनाएंगे सो बनाएंगे जिसमें से अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है ना वो कहां पर बनाया है ये हम लोगों ने बताना है गोरखपुर है अन...

करने हैं ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में है कौन सी योजना के अंडर में प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना के अंडर में कौन सी योजना के अंडर में प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना के अंडर में इसको क्या है डेवलप करने की कवायद जो है वो छेड़ी गई है हम कह सकते हैं या फिर इसको बनाया जाएगा क्लियर है चलिए देखते हैं द बुक टाइटल रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट यानी कहने का मतलब एक बुक है जिसका नाम है जिसका नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर बारह लेख शामिल है पुस्तक को किसके द्वारा संकलित किया गया यानी कि किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया है यह हम लोगों ने यहां पर बताना है तो जल्दी से बता दीजिए थोड़ा सा क्रोप कर लो मींस अभी सही है अभी सही है ओके okay, ठीक है तो आप लोगों ने इसको यह बताना है कि निम्न में से कौन सी यानी कि हम कह सकते हैं जो आ, जो ये बुक है इसको किसके द्वारा कंपाइल किया गया है जाइको पब्लिक हाउसिंग द्वारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट द्वारा वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट द्वारा इंप्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर जो है ठीक है वो क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आप लोगों से जो है इसके बारे में पूछा भी जा सकता है ये ध्यान आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत उस पार्ट के तहत इसको जो है किया गया है, इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है हमारे भूपेंद्र यादव जो है उनके द्वारा क्या है कि इस बुक का विमोचन भी किया गया था और किसके द्वारा तो इसको कंपाइल किया गया है ऑप्शन नंबर द्वारा तो याद रखना है भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव द्वारा जो है इसको लॉन्च किया भूपेंद्र यादव हमारे मिनिस्टर है ये ठीक है हमारे लेबर मिनिस्टर है याद रखोगे वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एयर इंडिया के चेयरमैन किसे बनाए गए अभी रिसेंटली तीन दिन पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था आपको याद हो तो तब मैंने आपको क्या है इनके बारे में बताया था आपको याद हो तो ठीक है क्या बताया था मैंने आपको कि जितने भी एयर जो यानी कि जो हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं इसको आ, हवाई जहाज़ जितनी भी चलती हैं है ना उन सभी के उन सभी के एमडी एंड सीईओ एंड हेड जो बने हैं उनका नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया था तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना एयर इंडिया के किसे बनाया गया जी हाँ बिल्कुल सही शमा पांडे लोकेश वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है आ, क्या है इसका चंद्र चंद्रशेखरन जो है इसका राइट आंसर होगा कौन होगा चंद्र चंद्रशेखरन में सभी को शेखरन जो है इनको बनाया गया है सब लोग ध्यान में रखोगे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जा सकता है एयर इंडिया की बात करें जिसका फाउंडेशन होता है फिफ्टींथ अक्टूबर फिफ्टींथ अक्टूबर ठीक है 1932 को इसका फाउंडेशन होता है ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है किसके द्वारा फाउंडर कौन थे तो जे आर डी टाटा ही थे टाटा सन्स जिन्होंने वापस इसको अपने अंडर में कितने में लिया है आपको पता ना अठारह हजार करोड़ रुपए में टाटा ने वापस इसको खरीद लिया था है ना ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है अगर आपसे पूछा जाए फाउंडेशन हुआ था नाइनटीन के अंदर ध्यान में रखना है चेयरमैन कौन है अच्छा ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है जी हाँ बिल्कुल सही है हिमांशु मेरे भाई वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी हाँ लक्षे सेन। लक्षे सेन, लक्षे सेन जो इंडियन सटलर है सटलर यानी हम कह सकते हैं कि जो बैडमिंटन खेलते हैं ठीक है लोस्ट टू विच प्लेयर टू सेटल फॉर सिल्वर एट द मैं सिंगल बैडमिंटन फाइनल ऑफ जर्मन ओपन दो लक्ष्य सेन जर्मन ओपन दो बाईस के पुरुष एकल बैडमिंटन में फाइनल में रजत पदक से संतोष करने के लिए किस खिलाड़ी से हार गए यानी कि फाइनल के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो इनको नहीं मिला गोल्ड मेडल दूसरा प्लेयर जो है वो लेकर गया था इनमें से कौन सा है तो इनमें से कौन सा प्लेयर है जिससे ये हार गए थे तो याद रखोगे कन्वॉल्ट विति दर्शन दसर ठीक है ठीक है तो ये क्या है कि इस इसके हम अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो है इनसे हार गए थे याद रखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है ठीक है यानी कि हम आ, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है जो कहाँ के हैं ये ये थाईलैंड के हैं जो कि विनर रहे थे थाईलैंड के हैं जो कि विनर रहे थे क्लियर है जी हाँ बेटा बता दिया जाएगा ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट दिया गया है रंजीत रथ रंजीत रथ जो है हैज बीन नेम्ड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच पीएसयू यानी कि इसमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनियन है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसके क्या है ये भाई साहब जो है ना ये भाई साहब कौन है रंजीत रथ जो है वो इनमें से किसी एक के जो है हेड है वो हम लोगों ने बताना है तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके क्या है जिसका, जिसका हेडक्वाटर मैं आपको बता देता

इवर एग्जाम ऑफिशियल सर्च करोगे तो ये एक टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा जो अपनी कंपनी का है यानी कि अपनी एकेडमी का अगर आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो एक और सर्च कर सकते हो डी सी ए बाय संदीप सर लिखोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको लगभग इक्कीस सौ बाईस सौ बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं ठीक है कंटिन्यू जो है हम लोगों के साथ और रेगुलर जो है जिन भी जो भी अपडेट दी जाती है उसका फायदा उठा रहे हैं जी हाँ विच ऑफ फर्स्ट प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यानी अब देखो आप लोगों को इतना याद रखना है वन अप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंजल वन द्वारा जेरोधा द्वारा इंडिया इन्फोलाइन द्वारा या फिर आई आई एफ एल सिक्योरिटीज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है जो

आठ बजे आपकी जो है टेक्निकल की क्लास होगी जो सर आपकी लेंगे ठीक है विच प्रिपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि ईश्वर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रिपेड पीपीआई ईश्वर टू हैव अचीव्ड फुल इंट्रोपरेबिलिटी इज मैंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि कहने में कौन सा प्रीपेड अच्छा इसको ज्यादा आप लोगों ने याद रखने की आवश्यकता नहीं है बैंक के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो जरूरत है तो इसका आएगा लिविक आएगा याद रखना एल वी क्यू आई यू आई के है ना लिवक् क्लियर है चलिए विच डे ऑफ द ईयर इसलिब्रेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डे के रूप में कौन सा डे बनाया जाता है यह हम लोगों ने बताना है पंद्रह मार्च को बनाया जाता है चौदह मार्च तेरह मार्च या बारह मार्च में से कौन सा होगा कौन सा है मैथमेटिक्स इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स तो कौन सा है याद रखना है चौदह मार्च को बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है क्लियर है आप लोगों को पता होगा कि इस साल की जो थीम है वो क्या रखी गई है तो मैथमेटिक्स यूनिट्स जो है है ना मैथमेटिक्स यूनिट्स जो है ठीक है इसकी थीम रखी गई है आप लोग ध्यान में रखोगे क्लियर है यूनिट्स ये इसकी थीम रखी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस डे को कब से बनाना प्रारंभ किया था एज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ठीक है अच्छा इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स वैसे अगर हम बात करें तो अप्रूव किया गया था

ऑब्जर्व किया जाता है तो याद रखना है पंद्रह मार्च को जो है हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है ये बहुत बार एग्जाम इनके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है है ना इस साल की थीम क्या थी फेयर डिजिटल फाइनेंस क्या थी फेयर डिजिटल फाइनेंस डिजिटल फाइनेंस जो है वो इसकी थीम रखी गई थी याद रखोगे क्लियर है चलिए जी हाँ द वर्ल्ड रोटारेक्ट डे जो है वो कब बनाया जाता है यानी कि हर साल किस दिन बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी ठीक है जी हाँ बिल्कुल ए आर हिमांशु वर्मा बहुत बढ़िया मेरे भाई है ना रोटारेक्ट डे की बात की जाए जिसकी इस साल की थीम रखी गई थी रोटरी मेकिंग ए डिफरेंस क्या रखी गई थी रोटरी मेकिंग ए डिफरेंस मेकिंग ए डिफरेंस ठीक है तो कब बनाया जाता है ये हर साल तो आप लोगों ने बताना जल्दी से बताइए जी हाँ बिल्कुल सही मानसू बोल रहे हैं कि सर बी इसका ऑप्शन आएगा बट बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका राइट right आंसर जो है वो क्या होगा तेरह मार्च को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हम लोगों ने ध्यान में रखना है ये इसकी क्या रखी गई थी थीम रखी गई थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों से पूछा जा सकता है जी हाँ होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए होके मायूस न यूं श्याम से ढलते रहिए जिंदगी भोर है सूरज सा निकलता रहिए जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए राह पर चलते रहिए जी हाँ विच डे ऑफ द ईयर इज मार्च मार्ग इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ़ फॉर रिवर यानी कि वर्ष की किस दिन को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है ये हम लोगों ने बताना है और आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर या कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल है ना आपको बताना जो हम कह सकते हैं कि आ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से जो है बनी हुई है ठीक है जल शक्ति जिसके मिनिस्टर कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत क्या नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भैया जोधपुर है कौन सी है जोधपुर है याद रखोगे जोधपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कब बनाया जाता है हर साल को कब बनाया जाता है हर साल को ये डे तो याद रखना है ये डे जो है यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर रिवर जो है वो 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है चौदह मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है याद रखोगे क्लियर है होप सो so यहां तक जो है ठीक है आप लोगों को पता चला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जी हाँ आर बी आई एच आर बी इनोवेशन हब जो है ठीक है रिसेंटली साइन एमओयू विच इनक्यूबेशन सेल फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर वर्क टुगेदर टू डेवलप द इकोसिस्टम नेसेसरी हम कह सकते हैं जो स्केल फिनटेक स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली इनमें से कौन सी आई आई टी है जिसके साथ आर बी का एक यानी कि क्या है एक जो उसकी सबसे सिडरीज है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब जो है इसने हाल ही में हाल ही में क्या किया है कोई एक आईआईटी के साथ जो है टाइप किया है वो आप लोगों ने बताना है तो फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए निम्न में से कौन सी होगी जी हाँ याद रखना है आईआईटी मद्रास जो है इसके साथ इन्होंने टाइपअप किया खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया कौन सी आईआईटी के अंदर स्थापित किया गया परम गंगा फटाफट बताओ जल्दी से परम गंगा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर सी डेक पुणे द्वारा जो है वो बनाया जाता है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है वो आप लोगों ने बताना है इसके साथ में आप लोगों ने बताना है कि हाल ही में हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी है, जल्दी बताओ पहले तो इसका आंसर बताओ फिर दूसरा पूछूंगा मैं आप लोगों से प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था ये बनाया गया आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मुंबई बॉम्बे है ना बॉम्बे जो है उसके द्वारा बनाया गया है और यह बात करें परम गंगा तो यह बनाया गया मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है इसके साथ में अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट बिल्डिंग कौन सी आई के अंदर स्थापित की गई है जो बायो ब्रिक के द्वारा बनाई गई है है ना कौन सी आई है जिसके अंदर पहली बिल्डिंग बायो ब्रिक के द्वारा जो है वो बनाई गई है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखोगे आईआईटी हैदराबाद के अंदर जो है वो बनाई गई है याद रखना है कहाँ बनाई गई है आईआईटी हैदराबाद के अंदर बनाई गई है याद रखोगे सब लोग क्लियर है हाँ या ना इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली अगर हम देखें तो जीवन वायु के नाम से इंडिया का फर्स्ट पावर फ्री सीपेप डिवाइस किसी ने बनाया है, है ना जीवन वायु जीवन वायु के नाम से किसने बनाया मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये ऑलरेडी जो है वो आप लोगों से पहले कोई ना कोई एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका होगा तो आपने याद रखना है ये भी आईआईटी आई रोपड़ के द्वारा जो है वो बनाया गया आईआईटी आई रोपड़ ठीक है याद रखोगे क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भैया खुशी के मामले में हम कौन से नंबर पे है यानी कि हम दुखी रहते हैं या खुश रहते हैं ये हम लोगों ने बताना है तो आपको पता होगा कि ये जो आ, खुशी के मामले में बात करें सबसे हंसता खेलता मुस्कुराता जो देश है वो कौन सा है तो वो है फिनलैंड यानी कि जो पहले नंबर पर रहता है कौन से नंबर पर रहता है फर्स्ट रैंक आती है उसकी हमेशा लेकिन भारत तो जो है ना वो कौन से नंबर पे आया वेरी गुड बहुत अच्छे वो कौन से नंबर पर आया तो वो एक नंबर पर यानी कि हम जो है थोड़े से दुखी हैं थोड़े नहीं बहुत ज्यादा दुखी हैं कह सकते हैं पिछले साल दो के अंदर हम कौन से नंबर पे थे तो वन नंबर पे थे ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है हैप्पीनेस के मामले में कौन से नंबर पे थे 139 नंबर पे थे कौन से ईयर में 2021 के अंदर ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिपोर्ट इस साल जो जारी की गई है वो कितने देशों को की जारी की गई है तो याद रखना है 146 देश के अंदर हमारा स्थान जो है वो कौन सा आया है 136 नंबर पे आया ध्यान में रखना है यानी कि हम किसी से कम आंकने की आवश्यकता नहीं है चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट प्लेस्ड इन टॉप फाइव द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड के अनुसार अगर देखें इनमें से कौन सी कंपनी है जो टॉप फाइव के अंदर नहीं है भैया टॉप फाइव पहले नंबर पे फिनलैंड है दूसरे नंबर पे डेनमार्क है डेनमार्क है फिनलैंड है ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो हमारे सामने ठीक है उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे सामने आइसलैंड स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड है ना नीदरलैंड तो कहने का हम लोग नॉर्वे जो है वो इसमें टॉप फाइव में नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा राइट होगा बी जो है वो हमारा क्या होगा राइट होगा ध्यान में रखना है क्लियर है चलिए ठीक है जी हाँ एज अच्छा खुश रहेंगे कैसे खुश रहेंगे कैसे भाई क्योंकि दुखी जो है हम लोग पहली बात ये कि सर जॉब नहीं मिल रही है तो दुखी है ठीक है दूसरा क्या कि अगर गर्लफ्रेंड चली गई तो दुखी हो गए ठीक अगर गर्लफ्रेंड ने बात नहीं की तो दुखी होगी अगर सोना बाबू ने खाना नहीं खाया तो दुखी हो गए है ना तो खुश कैसे रहेंगे है ना तो वहां पर ऐसी चीजें है नहीं तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं है ना भाई चलो बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ए माइक्रो फाइनेंस लोन कोलेट्रल कौल, फ्री लोन जो है वो हम अगर हम बात करें कितना दिया है वैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है इसका बी जो है ठीक है बी जो है वो राइट आंसर सॉरी तीन लाख रुपए जो है वो इसका राइट आंसर आएगा ये हम

क्या करना है डिजिटल इंडिया जो है वो बनाना है तो उसके लिए क्या करना था कि ऑन डिवाइस वॉलेट जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया था हम कह सकते हैं यूपीआई लाइट जिसमें अगर हम देखें ट्रांजेक्शन की ऊपरी सीमा जो है वो कितनी रखी गई थी तो दो सौ रुपए तक यानी कि आपके पास नेट वगैरह नहीं चल रहा है ना तो भी हम क्या है दो सौ रुपए तक जो है क्या सकते है? कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं ध्यान में रखना है द मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन मैक्सिमम लिमिट कितनी है माइक्रो अच्छा ये क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी एन बी कंपनियां हैं उन सभी को लोन प्रोवाइड करवाने की सीमा तय की जाती है इसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा आप लोगों ने नहीं देखना चलिए इसमें अब है बैलेंस की कुल सीमा क्या है कुल सीमा मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम आप इस वॉलेट के अंदर कितना पैसा रख सकते हो तो दो अच्छा ट्रांसफर कितना कर सकते हो यानी कि किसी को कितना भेज सकते हो कितने रुपए की चीजें ले सकते हो तो दो की ऊपरी सीमा है मैक्सिमम लेकिन आप रख कितना सकते हो उसके अंदर तो दो जो यूपीआई लाइट के अंदर रख सकते हो ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर लास्ट डी जो है वो अपना राइट आंसर होगा हम लोगों से पूछा जा सकता है जी हाँ यूपीआई लाइट अभी रिसेंटली बनाया गया तो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है फैसिलिटी हैज बाय किसके द्वारा लॉन्च लॉन्च की की गई है? अच्छा, की गई है है अच्छा यहां पर बात हो रही है यहां पर बात क्या हो रही है लॉन्च की गई की बात हो रही है ना कि यह कहा है इसने कि किसने बनाई है ना अच्छा सुनो लॉन्च कहने का मतलब इसको जो डेवलप किया गया ये इसको लॉन्च किया गया वो एनपीसी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म क्या है नेशनल है ना याद रखना है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अच्छा पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच गया है अब भारत जो है वो भी फाइनल में पहुंचेगा फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा और उसके अंदर हम जो है हम लोग चाह रहे हैं हमारी जो इच्छा है वो क्या है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला हो और भारत क्या हो जीत जाए जिसका चौदह तारीख को एग्जाम है ना वो तेरह तारीख को देख के मैस देखना आराम से कोई दिक्कत नहीं पढ़ना नहीं है भाई उस दिन है ना लेकिन उससे पहले कुछ नहीं देखना है उससे पहले ना आप लोग सेमीफाइनल देखोगे कुछ नहीं देखोगे अच्छा एन जिसका फाउंडेशन होता है सन दो 2008 के अंदर फाउंडेशन होता है ध्यान में रखोगे ये एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया के अंदर जितना भी डिजिटल या फिर बैंकिंग सेक्टर को जो आसान बनाया है वो एन द्वारा बनाया गया है जैसे कि हमारा खुद का एक डेबिट कार्ड आ गया है क्रेडिट कार्ड आ गया जिसका नाम क्या है रूपे जिसका नाम क्या है रुपए तो रुपए किसके द्वारा बनाया गया है एनपीसीआई द्वारा जैसे आपको पता होगा हम पढ़ते हैं सी टी चेक सिस्टम याद है ना चेक ट्रंक्शन सिस्टम ये भी किसके द्वारा बनाया गया है तो ये भी एनपीसीआई द्वारा बनाया गया बहुत सारे प्रोडक्ट जो है एनपीसीआई द्वारा जो है वो बनाए गए हैं जो कि हम लोगों ने ध्यान में रखना है जी हाँ कौन सा एडिशन था सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो कि हाल ही में हेल्ड करवाया गया था ठीक है इसका कौन सा एडिशन था वो आप लोगों ने बताना है तो जल्दी से बता दीजिए फटाफट से जो इसका राइट आंसर होगा कौन सा एडिशन था इस साल तो इस साल

थीम स्टेट के रूप में इसने भाग लिया था और अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर ये जो हरियाणा के अंदर जो मेला हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है ध्यान कहाँ होता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और किसका होता है एक क्राफ्ट मेला होता है यानी कि जो हैंडमेड चीजें होती है उनका मेला लगता है तो पार्टनर नेशन के रूप में किसने भाग लिया तो याद रखोगे उज्बेकिस्तान ने पार्टनर नेशन के रूप में किसने भाग लिया उज्बेकिस्तान जो है बेकी स्थान जो है उसने भाग लिया याद रखोगे क्लियर है होप्स सभी को अगर बात समझ में आ रही है तो सेशन को शेयर कर दो भैया अपने अपने दोस्तों के साथ क्योंकि आज जो है किसी को मालूम नहीं था कि क्लास जल्दी होने वाली है है ना तो फटाफट शेयर कर दो और फर्स्ट टाइम कब हेल्ड करवाया गया था तो नाइनटीन एटी के अंदर इसको फर्स्ट टाइम हेल्ड करवाया गया था सब लोगों ने ध्यान में रखना है इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और क्या करना है इसके साथ में क्या है लाइक कर दो अगर जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि SBI बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू सेट अप ए इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर इन व्हिच सिटी यानी कि निमन में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना खुद का जो है एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम क्या है IIAC क्या नाम है IIAC है अच्छा आप लोगों कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या बात है भाई आप लोगों कमेंट नहीं आ रहे हैं आवाज आ रही है अगर सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार WWE टाइप कर दो अगर सभी को बात समझ में आ रही है तो डबल ही टाइप कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक मेरी बात मेरी आवाज है ना अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है जल्दी करो फटाफट चलिए आलोक रोन यार वेरी गुड चल चलो ठीक है ठीक है ठीक है तो ये कहाँ पर इसने स्थापित किया है वो हम लोगों ने बताना है तो याद रखना है ये कहाँ स्थापित किया गया है तो हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है यानी कि तेलंगाना के अंदर हम लोगों ने अच्छा ओपन रोक म्यूजियम है ना ओपन रोक म्यूजियम यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का जो म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थापित किया है है ना तो वो भी कहाँ पर स्थापित किया है हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है हैदराबाद के बारे में हम लोग दो तीन दिन से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और मैंने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बताई है बताओ कौन कौन सी न्यूज मैंने करवाई थी हैदराबाद के अंदर क्या क्या चीजें स्थापित की गई है फटाफट कमेंट के अंदर बताओ थोड़ा सा ही बता दो जाए ताकि मुझे पता चले कि आपको सारी चीजें जो है वो याद है जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट बताओ हैदराबाद के अंदर क्या क्या चीजें स्थापित की गई है जल्दी बताओ हैदराबाद के बारे में यानी तेलंगाना के बारे में क्या क्या चीजें बताइए जल्दी बताओ फटाफट जल्दी तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ वेरी गुड फटाफट बताओ शाहबाज वू हैज वॉन द नाइनटीन एशियन हंड्रेड यूपी ब्लियर्स चैंपियनशिप 2022 जो है वो किसने जीती है निम्न में से इनमें से कौन है ये भाई साहब जो आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहे हैं है ना ये फोटो के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो कौन है तो याद रखना है पंकज पंकज आडवाणी आडवाणी कौन है पंकज ने जो है ये अपने नाम की है पंकज आडवाणी जो है ये नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 भी इन्होंने जीता है ट्वेंटी वर्ल्ड टाइटल जो हुआ था जो कि दोहा के अंदर ट्वेंटी वर्ल्ड टाइटल जो हुआ था कहा दोहा के अंदर वो भी किसने जीता था पंकज आडवाणी ने जीता था और अब अगर हम बात करें तो किसने जीता ये भी एट्थ टाइम जो है पंकज आडवाणी ने ये विनर किया है हम लोगों ने ध्यान में रखना है क्लियर है जी हाँ यही पता है ओपन रोक म्यूजियम मालूम था चलो कोई बात नहीं है जब आगे आप आएगा तो मैं आपको बहुत सारी चीजें करूंगा अच्छा बता दो फटाफट बता दो जल्दी से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जल्दी बता दो जल्दी बता दो फटाफट जल्दी बता दो क्या कौन सा आंसर आएगा जल्दी भाई वेरी गुड फटाफट बताइए फटाफट बताइए कौन सा आंसर आएगा जी हां शाहबास बिल्कुल भिल, सही है उज्बेकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर तो ध्यान दो 2025 के अंदर एशियन यूथ पैरा ओलंपिक जो होने वाली है वो कहां होने वाली है तो उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाली है सब लोगों ने ध्यान में रखना है क्लियर है इसके इसके साथ साथ में में अगर अगर हम हम बात बात करें करें ठीक है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हाल ही में उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल जो है वो क्या है तो तास है क्या है तास कैंट जो है वो यहाँ की क्या है कैपिटल है ये ध्यान में रखना है यहाँ की करेंसी क्या है तो यहाँ की करेंसी है सोम सोम है ना सोम यहाँ की करेंसी है याद रखोगे चलिए बताइए नाटो हैज ऑर्गेनाइज्ड द है, मिलिट्री ड्रिल नेम्ड कोल्ड रिस्पांस 2022 इन विच प्लेस है नाटो द्वारा नाटो द्वारा ठीक है एक क्या है कि एक सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित करवाया गया था जिसका नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो कि कहां पर हेल्ड करवाया गया वो हम लोगों ने बताना है ठीक है आपको पता होगा नाटो जो है ठीक है ये एक्सरसाइज है ना हर दो साल के अंदर जो है एक बार हेल्ड करवाता होता है ठीक है कहां पर हेल्ड करवाता होता है हर साल तो ये नॉर्वे केंद्रीय होती है अभी कहां होती है ये नॉर्वे केंद्रीय हेल्ड करवाई जाती है हर दो साल के बाद बिल्कुल उज्जवल प्रताप सिंह मेरे भाई बहुत बढ़िया जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो भैया एक बार ठीक है अच्छा किस संगठन ने सैन्य ड्रिल कोल्ड रिस्पॉन्स दो को शुरू किया किस की कौन सा अभी बताओ देखो क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन सेम है इसको घुमा के दे दिया है तो कौन है इसका राइट आंसर क्या आएगा बी नाटो आएगा क्लियर है बी नाटो इज द राइट आंसर ये हम लोगों ने ध्यान में रखा राजेश गोपीनाथन राजेश गोपीनाथन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कौन सी कंपनी के जल्दी से बता दो फटाफट से शाहवास जल्दी से बता दो फटाफट से फटाफट से बता दो भैया वेरी गुड अच्छा नाटो की फुल फॉर्म क्या है जल्दी बताओ जरा नॉर्थ अंटल्टिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है जिसका फाउंडेशन होता है सन 1949 के अंदर कौन से ईयर में होता है 1949 में और हेडक्वार्टर उसका ब्रुसेल्स के अंदर है कहाँ है ब्रुसेल्स के अंदर है ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है बिल्कुल सही टीसीएस के हेड हैं याद रखोगे सी एंड एम नियुक्त किए गए हैं किसके टीसीएस के टीसीएस का फाउंडेशन कब होता है तो नाइनटीन के अंदर होता है और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना

अभी आवाज़ आ रही है अभी आवाज़ आ रही है क्लियर है ओके एकदम ओके रिपोर्ट है चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा खुशी दिवस के रूप में अच्छा यहाँ पर हम जो है ये लक्ष्य को पाने के लिए यदि तन हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं बिल्कुल सही है आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यू जो है मेहनत करते रहिए जी हाँ हर साल खुशी दिवस के रूप में कब बनाया जाता है ये हम लोगों ने बताना है तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट से कौन से डे को हम लोग जो है ये बनाते हैं इस साल की जो थीम रखी गई थी है ना इस साल की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी बिल्ड बैक है क्या रखी गई थी बिल्ड बैक इसकी थीम रखी गई थी याद रखोगे तो कब बनाते हैं ठीक है कब बनाते हैं तो सब लोगों ने ध्यान में रखना है 20 मार्च को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ध्यान में रखोगे जी हाँ वेन वर्ल्ड स्पेरो डे के रूप में हम कब बनाते हैं जल्दी से बता दो फटाफट से है ना ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है और इस साल की थीम जो है वो क्या रखी गई थी तो लव स्पेरो ठीक है? तो बताओ कब बनाते हैं ये तो ये भी 20 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है कब सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है तो ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है क्लियर है चलो एक डे दे और देखते हैं आपसे पूछते हैं क्या मालूम है जी हाँ फ्रॉक डे फ्रॉक डे यानी कि मेंढक दिवस कब बनाते हैं तो ये भी कब बनाते हैं तो बीस मार्च को ही बनाते हैं देखो ध्यान से सुनना इंटरनेशनल हैप्पी डे ठीक है आ, गुरेया डे और मेंढक दिवस तीनों के तीनों कब बनाए जाते हैं बीस मार्च को सेलिब्रेट किए जाते हैं ध्यान में रखना है। तीनों के तीनों बीस मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ध्यान में रखना है अगर आपसे पूछा जाए कि यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज तो ये भी बीस मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे क्लियर है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे जो है वो कब मनाया जाता है तो बीस मार्च को ही अच्छा चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाते हैं चाइनीज लैंग्वेज डे है ना चाइनीज लैंग्वेज डे तो ये बनाते हैं बीस अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं ध्यान रखोगे 20 अप्रैल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज डे इंग्लिश लैंग्वेज डे कब बनाते हैं इंग्लिश तो ये याद रखोगे 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है है ना इसी तरह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ रशियन लैंग्वेज डे कब बनाते हैं रशियन लैंग्वेज डे है ना ज तो ये ध्यान में रखना है छ जून को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब सिक्स जून को सेलिब्रेट किया जाता है याद रखोगे क्लियर है होप्स आपको जो है ये चीजें मालूम चली होगी चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं कौन सा है तो देखते हैं आपके सामने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब बनाते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे तो ये भी, भी बीस मार्च को बनाया जाता है ठीक है चलो अब है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वन वन दिवस कब बनाते हैं अभी फॉरेस्ट डे कब बनाते हैं इंटरनेशनल का ठीक है तो याद रखना है 21 मार्च को बनाया जाता है कब बनाया जाता है 21 मार्च को बनाया जाता है विश्व कविता दिवस हर साल कब बनाते हैं ये डे लेके आए हूँ सारे के सारे ताकि क्या अगर आप मार्च में से आपसे पूछ लिया जाए तो आपको सारी चीज़ें जो है वो मालूम हो ठीक है ध्यान में रखना है कब बनाते हैं तो ये भी वर्ल्ड पोइट्री डे इक्कीस मार्च को बनाया जाता है ठीक है और वर्ष के किस दिन दिवस डाउन सिंड्रोम के रूप में जो है वो कब मनाया जाता है तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है कब मनाया जाता है हर साल ठीक है तो ये भी क्या है आपका 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है डी इसका राइट आंसर होगा क्लियर है होप्स यहाँ तक सभी को बात जो है वो समझ में आ रही है वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी एक बैंक के एग्जाम में जो है वो पूछा जा चुका है ठीक है यानी कहने का मतलब कटफुलित कठपुतली दिवस के रूप में कब यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है कठपुतली दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको जल्दी से बताओ फटाफट कठपुतली दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 21 मार्च को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई आप डे याद करो ना करो यही ध्यान में रखना है कौन सा है कठपुतली दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है ध्यान में रखोगे जी हाँ अंतरराष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था यानी कि जो फॉरेस्ट डे हम लोगों ने बनाया था इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे इसका थीम क्या थी तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन जो है वो इसकी थीम रखी गई थी याद रखोगे क्लियर है चलिए अब आते हैं डे अपने कुछ हो चुके हैं किस खिलाड़ी को 2022 का स्पोर्ट्स स्टार स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुष से सम्मानित किया गया है फोटो आपके सामने है जल्दी से बता दो फोटो आपके सामने है जल्दी से बता दो भैया कौन है तो नीरज चोपड़ा को जो है वो यानी कि क्या है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है ध्यान में रखोगे अगर आपसे पूछा जाए 2022 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया तो पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है पदम कौन सा पद्मश्री अवार्ड जो है वो भी इनको दिया गया है कब 2022 हजार के अंदर याद रखोगे और इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि नीरज चोपड़ा जो है ठीक है इन्होंने कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर, तो अंदर, अंदर तो सात अगस्त, अगस्त, तो अगस्त को एक डे बनाया जाता है कौन सा जेवलियन थ्रो डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते होते हैं यह भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है क्लियर है और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन सा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम था जिसका नाम नीरज चोपड़ा के ऊपर रखा गया है तो पुणे के अंदर पुणे के अंदर आर्मी का स्पोर्ट्स स्टेडियम था उसका नाम जो है किसके ऊपर रख दिया नीरज चोपड़ा के ऊपर क्यों क्योंकि ये आर्मी में काम करते थे याद रखोगे क्लियर है या ना ठीक है तो ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है जो हमारे लिए क्या हो सकता है इंपोर्टेंट हो सकता है नीरज चोपड़ा कहाँ से आते हैं तो याद रखोगे ये पानीपत हरियाणा से आते हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आते हैं एच हरियाणा से आते हैं ध्यान में रखोगे क्लियर है ठीक है तो ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है चलिए फीमेल के अंदर ये अवार्ड किसे दिया गया फीमेल के अंदर किसे दिया गया तो मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया था ध्यान में रखोगे फीमेल के अंदर किसे दिया गया मीराबाई चानू को इसके साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो लवलीना बरगोहन जो थी वो थी याद रखोगे ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है भाई ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए देखते हैं ऑटो फर्स्ट ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन हैज बाय बैंक है ना तो जल्दी से बताइए कौन सी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है ऑटो फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो याद रखोगे ऑटो फर्स्ट एच बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है डी बैंक याद रखोगे क्लियर है हाँ

ओके मोरिशियस ओके 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 चलो देखते हैं कौन कौन सही बताएगा ठीक है कौन कौन सही बताएगा अच्छा कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ हुई ये बताओ कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 हज़ार बाईस कहाँ हुई इसका राइट right आंसर आएगा मड मर्गसा है ना इसके साथ होती है याद रखोगे है ना कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ हुई फटाफट बताओ कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ हुई किसके द्वारा आयोजन करवाया गया था कोल्ड रिस्पॉन्स अभी पढ़ के आए देखते हैं कौन कौन ये किसको याद है देखते हैं किसको याद है चलो बताओ फटाफट शाबाश अभी तक कोल्ड रिस्पॉन्स अभी पढ़ के आए ना भाई नॉर्वे नॉर्वे के अंदर हेल्ड करवाई गई थी किसके द्वारा नाटो के द्वारा अभी मिनट पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया फिर भूल गए सब लोग जी हाँ वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट बता दो नए चीफ मिनिस्टर मणिपुर के कौन बने हैं भैया है कौन बने थे? ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी इज द राइट आंसर क्लियर है चलिए नेम द इंडियन इकोनोम इकोनोमिस्ट वू हैज बीन रॉब्ड इन द बाय द यूनाइटेड नेशन इज द मेंबर ऑफ इट्स न्यूली स्टेब्लिशमेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इफेक्टिव यानी कि कहने का मतलब अगर हम बात करें उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रभारी बहुपक्षवाद पर अपने नए स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में यानी कि जिसको नियुक्त किया गया है वो हम लोगों ने बताना है किसे नियुक्त किया गया किया गया है निम्न में से कौन है वो पर्सन जिनको नियुक्त किया गया है तो याद रखना है कौन है तो जयती घोष कौन है जयती घोष जो है उनको यानी कि नियुक्त किया गया ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी आएगा याद रखना ऑप्शन नंबर क्लियर है जी लक्ष्य सेन बता दो। अभी बताया था। एक मिनट पहले बताया था जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट बता दो जल्दी से शाबाश मिस्टर जी दी वेरी गुड शमा पांडे वेरी गुड चलो बताओ फटाफट बताइए जल्दी से नीता मोंडल नाटो गुड चलो बताओ फटाफट से जल्दी से कौन सा है अभी दो एक मिनट पहले बताया भैया एक मिनट पहले बताया आपको कौन था विक्टर या कैंटो कौन था जिस खिलाड़ी से हार गए जिस खिलाड़ी से हार गए है अभी तो पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले भैया पहला दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यही तो किया था विक्टर एक्सेलसन ठीक है चलिए बताइए कि कौन सा देश है जो छत्तीसवीं अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है थर्टी सिक्स इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है जहां पर हेल्ड करवाई जा रही है ये हम लोगों ने बताना है कहां हेल्ड करवाई जा रही है और मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी जो कांग्रेस जियोलॉजिकल कांग्रेस मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पर थर्टी नंबर की जो कि इस साल कहाँ पर तो याद रखना है इस साल ये वर्चुअल जो है हेल्ड करवाएगी किसके द्वारा इंडिया के द्वारा जो है हेल्ड करवाएगी याद रखोगे ठीक है किसके द्वारा इंडिया के द्वारा जो है हेल्ड करवाएगी याद रखना है क्लियर है चलिए विच इंस्टीट्यूशन हैज सेटअप ए न्यू इंटर डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर कॉल्ड एक्वा अभी पढ़ के एक्वा मैप किसके द्वारा बनाया, बनाया गया है कौन सी आईआईटी है जिसके द्वारा बनाया गया है जल्दी से बताओगे फटाफट से कौन सी आईआईटी द्वारा जो है वो बनाया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि रिसेंटली क्या है काफ़ी चर्चा में चल रही है ये आई कौन सी आई मद्रास द्वारा जो है इसको बनाया गया है याद रखना है किसके द्वारा आई मद्रास वेरी गुड सरदार सरदार बर्दी कि किस देश के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए ये भाई साहब जो है वो कौन से देश के प्रेसिडेंट बने हैं वो आप लोगों ने बताना है ठीक है जल्दी से मैं आपको बता दूं जिस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं उसकी करेंसी जो है ना वो क्या है मालूम है आपको बड़ा सुंदर नाम है उसका मन्नत क्या है मन्नत करेंसी है उस देश की कौन सी है मन्नत करंसी है और उसकी यानी कि कैपिटल है एसगाबाद क्या है एसगाबाद जी हाँ एसगाबाद तो कौन सा है जी हाँ बिल्कुल सही तुर्कमेनिस्तान इज द राइट आंसर तुर्कमेनिस्तान क्लियर है कि हवाओं के भरोसे मतूड हवाओं के भरोसे मतूड चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है हवाओं के भरोसे उड़ चटाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है अपने पंखों पर भरोसा रख हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है जी हाँ आपके सामने दिया गया है कि टेलर फिर जो है है ना उनको प्रिबास ओपन टूना, टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था एकल खिताब जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया है 2000 इंडियन वेल्स मास्टर के रूप में भी जाना जाता है इन्होंने इन्होंने हराया है बताओ किसको हराया भैया बताओ जल्दी से किसको हराया है इन्होंने जल्दी से बता दो किसको हराया है बताओ फटाफट तो राफेल नडाल किसको हराया इन्होंने राफेल नडाल को हराया ध्यान में रखोगे कहाँ हेल्ड करवाई गई थी तो याद रखना है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हेल्ड करवाई गई थी कहाँ कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर हेल्ड करवाई गई थी सब लोग ध्यान में रखोगे जी हां वो हैज सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सॉल्विंग रूबिक क्यू वाइल रीडिंग बाईसाइकिल से से तो भाई साहब है गुणबाला शर्मा नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा बाइक राइडिंग करते बाइसाइकिल राइडिंग करते, करते क्या कर दिया है? ये बना दिया है अच्छा तो ये जो भाई साहब है इन्होंने बनाया है याद रखो सॉरी माफी चाहूंगा ये नहीं भाई ये नहीं ये है है ना ये है जयदर्शन वेंटेशन है ऑप्शन नंबर डी है भाई इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है क्लियर है ऑप्शन नंबर डी है याद रखोगे जिन्होंने चौदह फोर्टीन पॉइंट थ्री टू सेकेंड का समय लिया था कितने सेकेंड का समय लिया था फोर्टीन पॉइंट थ्री टू सेकेंड का समय लिया था ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिसेंटली जो है रिसेंटली ऐसा कौन सा यानी कि गिज वर्ल्ड बना है है ना न्यूमोरोलॉजी के अंदर है ना फर्स्ट गिज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया है न्यूमोरोलॉजी के अंदर तो वो कौन है जे चौधरी कौन है जे चौधरी है ना जे चौधरी ठीक है याद रखना है न्यूमरोलॉजी के अंदर ठीक है याद रखोगे जैसी चौधरी क्लियर है वेरी गुड उज्ज्वल प्रताप सिंह मेरे भाई बहुत अच्छे भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैज बिन वो हैज बिन इलेक्ट द चेयरपर्सन ऑफ सी आई आई साउथ ईस्टर्न रीजन फॉर दो हजार बाईस यानी कि हाल ही में किसे किसे सी का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री क्या है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए जो है अध्यक्ष चुना गया है निम्न में से कौन है तो याद रखना है महिला जिनका नाम है सुचित्रा इला क्या नाम है सुचित्रा इला जिनको नियुक्त किया गया आप लोगों ने ध्यान में रखना है जो कि हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है हम लोगों से पूछा भी जा सकता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या दिया गया है जी हाँ विच सिटी बिकम द फर्स्ट साउथ एशियन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी सिटी है जो पहली साउथ एशियन सिटी बनी है जो नेट जीरो कार्बन एमिशन रोड मैप तैयार करने जा रही है तो वो कौन सी बनी है तो वो मुंबई जो है वो बनी है ध्यान में रखोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा कौन सा मुंबई ठीक है याद रखना है चलिए नेक्स्ट है डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर अजय कुमार जो है उन्होंने हेज कमीशन व्हिच इंडियन कोस्ट गार्डशिप एट गोवा विच इज द फिफ्थ इन द सीरीज ऑफ वन जीरो फाइव मीटर ऑफ श्योर पेट्रोल वेसेल्स क्लास यानी कि भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने गोवा में किस भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कहने का मतलब कौन सी है आईसीजीसी ठीक है जिसको कमीशन किया है 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रेणी की श्रृंखला में पांचवा जहाज है ये यानी कि 105 मीटर से भी लंबा जो है पांचवा जहाज जो है वो यानी कि लॉन्च किया गया है निम्न में से कौन सा है जो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दिया गया तो याद रखना है भारतीय तटरक्षक तर, जहाज कौन सा है आई सक्षम कौन सा है आई तटरक्षक सक्षम कलिए लोग होल्ड रखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या है तो ये याद रखना है आईसीजीएस सक्षम जो है जिसको यानी कि लॉन्च किया गया विच स्टेट सेलिब्रेट द ढोल उत्सव ढोल उत्सव या ढोल यात्रा के नाम से ऐसा एक फेस्टिवल है जो कलर्स का फेस्टिवल है है ना जो किसके द्वारा हर साल डोल यात्रा जो है वो बनाया जाता है ये हम लोगों ने बताना है कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा बनाया जाता है बहुत सारे ये पूर्णिमा के दिन जो है वो हेल्ड करवाया जाता है बहुत सारे ऐसे हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे हम लोग जो है यानी कि ऑलरेडी ये उत्सव जो है पढ़ चुके हैं जैसे नागा फेस्टिवल हो गया है ना और भी बहुत सारे फेस्टिवल मैंने आप लोगों को बताया तो यह किसके द्वारा बनाया जाता है तो यह बनाया जाता है वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है वो हेल्ड करवाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा विच रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट स्टेशन इन ईस्ट ओस्ट ईस्ट कोस्ट इम्प्लीमेशन वन वन को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला स्टेशन बना है तो बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर कौन सा आएगा भैया जल्दी से बता दीजिए मैं आपको बता दूं काफी अच्छा क्वेश्चन है एक प्रोडक्ट जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है स्पेशली उस वहाँ की चीजें जो विख्यात प्रोडक्ट होगा वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बेचा जाएगा तो वो बना है कौन सा विशाखापटनम रेलवे स्टेशन कौन सा बना है हाँ जी बिल्कुल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ठीक है भाई याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है मतलब कि आप सुनीता मंडल बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल हमारे बंगाल वाले वेरी गुड भाई आप बंगाल से हो मतलब विच स्टेट जब बेटा अगर आपका एग्जाम के लिए हो जाए ना और जॉब लग जाओ तो आपके जो ये टेग मिले हुए रसगुल्ला जो है ना वो एक बार खिला देना क्या खिलाना है रसगुल्ला खिलाना है चलिए विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द क्रोप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स बाय वे ऑफ यानी कौन सा स्टेट बनाया जिसने अपने खुद का स्टेट का यानी कि क्या है कि आ, ये आ, फसलों के लिए एक क्या है फसल विविधीकरण वी सूचकांक जो है वो जारी करने वाला स्टेट बना है तो वो आप लोगों ने बताना है तेलंगाना है केरला है गुजरात है तमिलनाडु है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा तेलंगाना जो है वो इसका राइट आंसर होगा ध्यान में रखना है जी हाँ आपके सामने महिला दिखाई दे रही है नेम द मंजीत मान ठीक है चिल्ड्रंस बुक विच हैज़ बिन शॉर्ट लिस्ट फॉर यू के योटो uh, कर्नेज मेडल दो हज़ार बाईस के लिए जो इस बुक को शॉर्ट लिस्ट यानी शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये महिला जो है इनकी कौन सी बुक है जो आप लोगों ने बताने तो याद रखना है द क्रोशिंग जो इनकी बुक है इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है याद रखोगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है पूछा भी जा सकता है क्लियर है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ एक पुस्तक हो रहा है ये आपके सामने मोर देन मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन beyond द OT. यानी कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन beyond द OT नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है वो हम लोगों ने बताना है तो आपके सामने वैसे तो क्या ये भाई साहब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनका एक्चुअल में नाम क्या है वो हम लोगों ने बताना है इनका नाम जो है वो क्या है वो हम लोगों ने बताना है आपको दिखाई भी दे रहे डॉक्टर डॉक्टर तेहमटोन एट्स ओडवाड़िया जो है ये बने हैं ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी इसका राइट आंसर आएगा पिन टू गुड इवनिंग मेरे भाई बहुत लेट हो गए हो बहुत लेट हो गए हो क्लास खत्म होने को है तब आप आए हो चलिए देखते हैं वेन इज द वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया तो, जाता है जल्दी बता दो वर्ल्ड वाटर डे कब बनाया जाता है अभी बाईस मार्च को बनाया जाता है कब जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस की थीम क्या थी इस साल की थीम जो है ना वो इसकी क्या रखी गई थी तो याद रखोगे ग्राउंड वॉटर मेकिंग इनविजुअल विजिबल इनविजिबल विजिबल ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी इसका राइट आंसर होगा ध्यान में रखोगे क्लियर है चलिए आगे देखते हैं विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम जो है कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है यस बैंक आई सी बैंक एच बैंक है एक्सिस बैंक का निम्न में से कौन सा है जल्दी से बता दो फटाफट से चलो बता दो जल्दी से भैया शाहबाज तो कौन सा है एच डी एफ सी बैंक है ना देखो दिखाई दे रहा है ना एच डी एफ सी बैंक जो है वो बना है क्लियर है चलिए तो बता दूं मैं आपको पहले एक जरूरी सूचना आज रात अरे हाँ आज रात है ना आज रात आठ बजे कितने बजे आठ बजे जो है वो क्या है कि सर आपकी क्लास लेकर आ रहे हैं रेगुलर चलेगी चार मोक टेस्ट आपको करवाने वाले हैं लेकिन कल यानी कि हम कैसे सकते कल नहीं कल क्या है थर्सडे है थर्सडे ना आज वेडनेसडे हो गया कल थर्सडे है परसों यानी कि फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन जो है ठीक है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी क्लास जो है ठीक है कितने लगभग पाँच बजे से जो है या फिर छः बजे से जो हम शुरू करेंगे लेकिन उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 200 प्लस ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो स्टेटिक जीके के ऊपर आधारित होंगे किसके ऊपर आधारित होंगे स्टेटिक जीके के ऊपर आधारित होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ठीक है उनमें से उनमें से आपके जो चांस रहेंगे ठीक है हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी बेटा मिल जाएगी ये आज पी मैं डाल दूंगा भाई आज तक की जो पीडीएफ है वो डाल दूंगा मैं तो कितने फ्राइडे को हो सकता है अगर 5:00 बजे से होगी तो भी आपको सूचना मिल जाएगी अगर 6:00 बजे से होगी तो भी आपको सूचना मिल जाएगी कल आपको बता दिया जाएगा ठीक है कल आपको सर जो है आपकी क्लास में बता देंगे या मैं मेरी क्लास में बता दूंगा तो 200 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के ऊपर रहेंगे जिनसे स्टैटिक फैक्ट स्टैटिक चीज जो हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तो एक जैसे ही क्लास खत्म हो जाए उसके बाद एक बार जो है कमेंट सेशन के अंदर बताओगे कि कितने लोग जो है वहां पर प्रेजेंट रहेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे कब मिलेंगे फ्राइडे को क्लियर है हंड्रेड फ्राइडे को हम लोग जो करेंगे टाइम क्या रहेगा वो आपको कल बता दिया जाए क्लियर चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं कब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी आपकी जो है सर की क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में ठीक है हाँ हाँ वो भी वो भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है हम देखते हैं शनिवार को कोशिश करेंगे कि वो क्लास भी आपकी ले दी जाए और शनिवार को मैं कोशिश करूँगा मॉर्निंग में आपकी क्लास ले ली जाए शनिवार को मॉर्निंग में जल्दी छः बजे पाँच बजे जो भी होगा हम एडजस्ट कर लेंगे ठीक है तो मैं बात करके आपको बता दूंगा कल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए क्लियर चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में